जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज हम अपने कंपनी लॉ का जो हमारा चैप्टर लेसन नंबर 3 चल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज का, उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। या रिवीजन हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हम कहाँ थे। अगर आपने रिवीजन ना किया हो तो मैं फिर भी एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको। तो दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 3 है या लेसन नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मतलब इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कितने टाइप की कंपनीज होती हैं और मेंबर्स के बेस पे कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे तो आपने देख लिया था कि सर रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, स्टैचुरी कंपनीज होती है और चार्टर्ड कंपनीज होती हैं। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसमें भी 3 टाइप्स हमने देखे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। जो स्टैचुरी कंपनीज होती हैं, जो स्पेशल एक्ट में बनाया जाता है, जैसे कि RBI, रेलवे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं। और फिर एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें पार्टनरशिप फर्म की तरह ही वहाँ भी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये हमने देखा था। पार्टनरशिप और कंपनी में जो डिफरेंसेस है वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम मेंबर के बेस पे जो कंपनीज होती हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे तो कौन सी कंपनी कहलाएगी, या फिर कौन सी कंपनी हमें बनानी है जिसके लिए मुझे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रखने पड़ेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब वो जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला पार्ट रह गया ना दोस्तों, कि भाई नंबर ऑफ मेंबर के बेस पे कितने होने चाहिए, या फिर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि सर ये पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है, वन मैन कंपनी है, ये स्मॉल कंपनी है, वो हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो जो लेसन नंबर 3 है, पेज नंबर 26, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी और पार्टनरशिप की जो अपना दोनों में अंतर है, पेज नंबर 27 पढ़ चुके हैं। फिर रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैचुरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी के बारे में पेज नंबर 28, ये भी पढ़ चुके हैं हम। फिर स्टैचुरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी पेज नंबर 29, ये भी पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप ये बोलेंगे कि सर अगर अनलिमिटेड कंपनी में भी अगर मेंबर्स और प्रोमोटर्स के, डायरेक्टर्स की अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म जैसा हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, कि जो क्रेडिटर्स होते हैं ना जो अनलिमिटेड कंपनी के, वो डायरेक्टली मेंबर और प्रोमोटर को स्यू नहीं कर सकते, तो केस नहीं कर सकते। और सेकेंड चीज, जो अनलिमिटेड कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, बट फर्म तो ऐसा है नहीं, ये हमने देख लिया था। फिर ये था कि अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर कंपनी में भी क्लासिफाइड, जो नंबर ऑफ मेंबर है उसके बेस पे कंपनी कौन कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये हमने देखा। अब एक एक करके इन इन कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर पहला टॉपिक आपका आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? तो किसी भी डेफिनेशन को किसी भी एक्ट के अगर जानना हो तो वो सेक्शन 2 में ही मेंशन किया होता है। तो सेक्शन 2 ऑफ 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। लेकिन सर इससे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है वो भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनी भी जान लेंगे। लेकिन जो डेफिनेशन दी गई है एक्ट में या लॉ में वो यही है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। हैज मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल 5 लाख। मैं वैसे ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी कि सर पेड ऑफ कैपिटल क्या होती है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ पेड अप और सब्सक्राइब का, दोस्तों कोई भी जो कंपनी होती है, एक सेकेंड, जो कंपनी होती है वो कंपनी शेयर कैपिटल के बेस पे ही शुरुआत होती है कि किन किन ने इसमें पैसा लगाया। तो उसको क्या होता है, कंपनी को सबसे पहले बताना होता है भाई मैक्सिमम कितना कैपिटल ले सकते हो आप अपने शेयर होल्डर से। तो इन्होंने कर दिया कि जी 1 करोड़ का है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी को ज़रूरत पड़ी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख की,
अभी तो ये जो 50 लाख है, जिन जिन शेयर होल्डर ने दे दिए, शेयर होल्डर से तो लिया होगा, तो ये जो 50 लाख है वो पेड अप कैपिटल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल, क्योंकि 50 लाख दे दिए। ठीक है, तो ये है, वैसे तो मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। और सर इसमें क्या है कि 7 और मोर मेंबर्स पब्लिक कंपनी में, एक तो वही कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, सेकंड चीज़ मिनिमम शेयर कैपिटल पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, और थर्ड 7 मेंबर और उससे ज़्यादा होने चाहिए। हैज 7 और मोर मेंबर्स द कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक इज पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ये पब्लिक से भी बोल सकती है, भैया मेरे शेयर्स परचेज कर लो, मेरे डिबेंचर्स परचेज कर लो। डिबेंचर्स एक तरीके से लोन लेने, अगर आप कंपनी को लोन चाहिए तो या तो वो बैंक के पास जाए, या एक ऋण पत्र या फिर लोन के नाम पे एक आपको लेटर दे देगा कि भाई, और उस लेटर का ही नाम डिबेंचर है, और आपसे वो पैसा ले लेगा, और डिबेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट शेयर्स के केस में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी का मुनाफा होगा तो उसको पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो नहीं मिलेगा। और डिबेंचर के केस में क्या, आपको तो देना ही देना है इंटरेस्ट का पैसा। तो द टर्म पब्लिक लिमिटेड इज एडेड टू इट्स नेम। तो सर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो उसके नाम में ऐड होती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉरपोरेशन के नाम। अब जैसे पब्लिक लिमिटेड को कैसे लिखेंगे, जैसे ABC लिमिटेड, तो अब इसमें प्राइवेट वर्ड नहीं है ना, तो समझ जाओ कि ये पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, तो क्या समझना है हमें, पब्लिक लिमिटेड है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। सो जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि ये 7 मेंबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए पब्लिक कंपनी, तो दोस्तों मिनिमम की तो है लेकिन मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी बींग नॉट हैविंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी इवन वेन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है और उसकी अगर सब्सिडरीज अगर प्राइवेट है तो भी वो पब्लिक, जो है जो कंपनी है वो पब्लिक ही मानी जाएगी। क्या कह रहे हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बींग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी इवन वेन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज। तो उसकी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, फिर भी जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो पब्लिक लिमिटेड ही कहलाएगी। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी डिफाइंड विच इज बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ। इसमें शेयर्स के ट्रांसफर के राइट्स नहीं होते। अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ और मेरे पास शेयर्स है तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस रेस्ट्रिक्शन इज बेसिकली टू प्रिजर्व द प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये इसलिए ताकि इस कंपनी का जो कैरेक्टर है वो प्राइवेट ही बना रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। तो दोस्तों वहाँ लिमिट किसकी दे दी थी, मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे क्या, मैक्सिमम 200 ही है, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ये एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि उसमें एक पर्सन भी होगा तो कंपनी होगी। यहाँ लेकिन हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या है, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अगर आपको 500 मेंबर या 500 शेयर होल्डर्स के साथ काम करना है तो फिर प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ। सी प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज, फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये आपको पब्लिक से पैसा नहीं लेने देंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, वो पब्लिक से पैसा लेने का राइट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ही है। तो आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 2 एंड वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 or more शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लोज बी ट्रेटेड एज ए सिंगल मेंबर इन काउंटिंग दिस नंबर द फॉलोइंग पर्सन आर एक्सक्लूडेड। मतलब मिनिमम तो 2 होने ही होने हैं, मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 200, मैक्सिमम 200 और मिनिमम 2। लेकिन जब सर ये एम्प्लॉय मतलब काउंटिंग करेंगे ना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर की, तो हम किन किन लोगों को छोड़ देंगे, एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी के एम्प्लॉय को छोड़ देंगे काउंटिंग के टाइम, ये नहीं कंसिडर करेंगे। पर्सन हु वर फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज। मतलब जो पहले का कोई बंदा है वो अभी भी काम कर रहा है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ ₹1 लाख और मोर एज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। वहाँ पे जैसे 5 लाख का था ना पब्लिक कंपनी केस में, यहाँ पे कितने की जरूरत है,
1 लाख की, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख। लेकिन अगर इस दोनों में जो डिफरेंस है वो हम इजी वे में इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाए। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। हम यहाँ पे कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। पहला मीनिंग सेक्शन 2 में डिफाइन होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑलरेडी हम देख चुके हैं सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 लाख का मिनिमम पेड अप कैपिटल, राइट टू ट्रांसफर, यहाँ तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड है ये, बट यहाँ पे क्या है, नॉट पब्लिक कंपनी, मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख का है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम टू बी पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी द पब्लिक कंपनी, मतलब जो पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी है वो मान लिए जाएंगे कि ये पब्लिक कंपनी है। फिर आगे चलते हैं, स्मॉल कंपनी इफ पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड टर्न ओवर एज पर ऑडिटेड ऑडिटेड अकाउंट्स डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। प्राइवेट में क्या है कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज़्यादा नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, एंड टर्नओवर जो पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट्स की बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, पहले हम इतना जान चुके हैं कि भाई प्राइवेट में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200, यहाँ पे मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है ना। 4 नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है नाम के साथ। अगर किसी कंपनी का आप नाम देख रहे हैं और उसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, इसका मतलब समझना वो अगर लिमिटेड है और प्राइवेट नहीं है इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड एज लास्ट वर्ड लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है, सिर्फ लिमिटेड। आगे चलते हैं, प्रोविजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल्स टू बी, मतलब जो आर्टिकल्स में अगर कुछ चेंजेस होती है, टू बी एग्रीड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द मेंबर्स, प्राइवेट में तो सारे अगर एग्रीड हो गए, मेंबर एग्रीड हो गए, चेंज कर दो, टू बी एग्रीड एंड अप्रूव्ड थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड के केस में एग्री से कोई काम नहीं चलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तभी आर्टिकल में कोई छेड़खानी होगी। दोस्तों आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल एक तरीके से नियम है किसी कंपनी का, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान हमारे लिए, ऐसे ही आर्टिकल है कंपनी के लिए। आर्टिकल में सारी बातें लिख दी जाती हैं, क्या रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ की बात करें, प्राइवेट कंपनी बाई राइट इशू और बोनस इशू थ्रू प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट इशू में तो भाई 4 बंदे हैं उनको आपस में बांट दो राइट इशू या बोनस इशू शेयर कर दो, बट टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस के थ्रू करना पड़ता है, बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस में ऑफर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये इशू ऑफ सिक्योरिटीज है, पब्लिक ऑफर टू बी इन डीमेटरलाइज फॉर्म इन, मतलब ये नॉट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती है यहाँ पे, इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द सिक्योरिटीज हैव टू बी इन डीमेटरलाइज फॉर्म, यहाँ पे पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है इसलिए वो पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। ये डीमेटरलाइज फॉर्म ये होता है कि अब आप देखते होंगे किसी के शेयर होल्ड करते हैं और शेयर के लिए एक अकाउंट ओपन होता है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं ना, शेयर्स ट्रेडिंग के लिए, उसमें क्या होता है डीमेटरलाइज फॉर्म में ये शेयर्स रखे जाते हैं। आगे चलते हैं, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है वैसे ही उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपका शेयर्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे, उसकी वैल्यू दिखेगी। सिक्योरिटीज़ इन पब्लिक ऑफर टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो पब्लिक ऑफर में जो सिक्योरिटीज़ हो रही हैं, जो आप पब्लिक में ऑफर किया जा रहा है भाई इतने पैसे दो ये शेयर ले जाओ, उनकी लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड इन पब्लिक ऑफर टू बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 9 परचेज लोन, परचेज लोन फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स, तो नॉट अलाउड टू परचेज इट्स ओन, प्राइवेट में तो परचेज कर ही नहीं सकते बट पब्लिक में कर सकते हैं। नॉट अलाउड टू परचेज इट्स ओन शेयर, नो फाइनेंशियल एक्सचेंज टू बी गिवन टू परचेज इट्स ओन। बाई बैक एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाई बैक कब होती है, बाई बैक में कंपनी अपने ही शेयर्स परचेज कर लेती है, बट यहाँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, यहाँ बाई बैक से रेफरेंस कुछ नहीं दिया गया, तो आप ये समझ लो कि परचेज या फिर लोन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, अपने परचेज अपने ही शेयर्स परचेज करने के लिए ना प्राइवेट कंपनी में ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप किसी से पैसा ले सकते हैं और ना ही अलाउड है।
एक बायबैक का कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन है, वो हम समझ लेंगे बाद में। बायबैक में अपने ही शेयर्स खरीदे जाते हैं। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब प्राइवेट कंपनी में कोई डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस नहीं है। अलाउड इफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज 100 करोड़ और मोर और टर्न ओवर ऑफ 5 करोड़ और मोर। यहाँ पे अगर पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या फिर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो फिर डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस हो सकती है। कोरम ऑफ मीटिंग, अगर यहाँ कोई मीटिंग करनी है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, यहाँ पे कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। बट अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो 5 इन केस ऑफ मेंबर अप टू 1000, अगर 1000 मेंबर तक है तो 5 कम से कम होने चाहिए, और 15 इन केस ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1000 और अप टू 5000, अगर 5000 तक है तो 15, और 30 इन केस ऑफ मेंबर एक्सीड्स 5000, 30 हो जाएंगे अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर है तो। इंटरनल ऑडिट की बात करें, एप्लीकेबल इन केस ऑफ टर्नओवर अगर 200 करोड़ से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंस, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। लोन फ्रॉम बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं NBFC, अगर आप उनसे लोन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा ले चुके हो पिछले साल में, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ये है प्राइवेट कंपनी का। यहाँ पे पब्लिक कंपनी देख लेते हैं। एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा पिछले साल में, और लोन आपने 100 करोड़ से ज़्यादा ले लिया, और ये पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे 4 लिमिट दे दी गई है पब्लिक लिमिटेड के केस में। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, लोन से बैंक लिया है, बैंक से आपने लोन लिया है 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सब पिछले साल में है तो आपको ऑडिट करानी होगी। एनुअल इवेल्युएशन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ऐसा कुछ भी। बट इफ पेड अप शेयर कैपिटल इज 25 करोड़ और मोर, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ उससे ज़्यादा है, तो आपको बोर्ड में रिपोर्ट की एनुअल इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग में जो भी रिपोर्ट है उसकी एनुअल इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेड अप कैपिटल इज 20 करोड़ मोर, अगर प्राइवेट कंपनी में पेड अप कैपिटल 20 करोड़ उससे ज़्यादा है तो रोटेशन, मतलब रोटेशन क्या होता है, एक ऑडिटर जाएगा, दूसरा नया ऑडिटर आएगा, फिर तीसरा नया ऑडिटर, ये फिर पुराना ऑडिटर आ सकता है, लेकिन चेंज होते रहेंगे। रोटेशन मतलब होता है चेंज। एप्लीकेबल इन केस ऑफ पेड अप कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर, लेकिन प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो रोटेशन एप्लीकेबल है। ये नहीं कि आप एक ही CA से ऑडिट कराते जा रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। नो डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे दो, नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे 2 हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन यहाँ पे 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। और एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी कहाँ दोस्तों, लिस्टेड कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। पब्लिक लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी में यही अंतर है कि वो भी लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन वो जब अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो हर कोई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या फिर लिस्टेड है, नहीं। आपने देखा होगा प्राइवेट नहीं लगा किसी कंपनी के नाम में, इसका मतलब वो पब्लिक है। इसका मतलब वो थोड़ी ना कि वो शेयर इशू कर रहे, नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने लिस्टेड अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर लिस्टेड कंपनी की बात करूँ एटलीस्ट 1/3 एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी अगर मान लो 12 है तो 1/3 मतलब 4 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे अगर लिस्टेड कंपनी है तो। वो इसलिए भी क्योंकि लिस्टेड कंपनी में लोगों का पैसा लगा हुआ है। और रिटायरमेंट बाय रोटेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे कोई अपली प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करें एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बी लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन एंड एलिजिबल फॉर बींग रीअपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब पब्लिक कंपनी में 2/3 टोटल डायरेक्टर अगर 12 हैं तो 12 का जो 2/3 आएगा मतलब 8 ये रिटायर होंगे और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है प्राइवेट कंपनी में, और यहाँ पे कंपल्सरी रिक्वायर्ड है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपल्सरी रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। यही दोस्तों, ये जो डिफरेंसेज हैं वो दिखा रहे हैं कि कितना ईजी है प्राइवेट कंपनी में बनाना या उसको रन करना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी काफ़ी कंप्लायंसेज आ जाती हैं। 18वां डिफरेंस पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, अगर मैनेजरियल जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनकी उनको कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर। प्राइवेट कंपनी में नो रेस्ट्रिक्शन अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, बट पब्लिक कंपनी में है, रेस्ट्रिक्टेड टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू कंडीशन एटलीस्ट 30 लाख पर एनम डिपेंडिंग अपॉन पेड अप कैपिटल। मतलब 100 करोड़ है ना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो उसका 11%, मतलब 11 करोड़ से ज़्यादा नहीं। और लेकिन
कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, एटलीस्ट 30 लाख, मिनिमम 30 लाख तो देना ही है। तो 30 लाख या फिर 1 करोड़ जो भी है, आप कंप्यूटेशन करनी होगी। मतलब यहाँ पे एक कैप लगा दिया, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो हमने देखा 18 पॉइंट थे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस का। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जेम्पशन एन्जॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। लोग प्राइवेट कंपनी क्यों बनाते हैं सर, उनको क्या एग्जेम्पशन करन क्या मिल जाती है, क्या छूट मिल जाती है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का वो टॉपिक रहेगा। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 को नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप कंप्लीट लेक्चर्स देख सकें। और ये हर एक अल्टरनेट डे पे जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आप उसको लेते रहिए, सुनते ही रहिए, समझते रहिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ऐसे क्लासेस की ज़रूरत है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।